खबर खेडली से। खेडली कस्बे के बाईपास रोड स्थित डायमंड पब्लिक स्कूल में स्केटिंग रेस का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार एसआर स्केटिंग क्लब के तत्वाधान में कस्बे के बाईपास रोड स्थित डायमंड पब्लिक स्कूल में सुबह 8 बजे से फाइनल स्केटिंग रेस का शुभारंभ किया गया। वहीं रेस का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजय गर्ग द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल, आरएसएस कार्यकर्ता गौरव खंडेलवाल, राम अवतार शर्मा रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का संस्था द्वारा माल्यार्पण व साफा बांध कर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं रेस के दौरान 4 ग्रुप बनाए गए, जिसमें 200, 400, 600 और 800 मीटर की रेस का आयोजन किया गया। वहीं रेस के दौरान पहले ग्रुप में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, दूसरे ग्रुप में 5 से 8 वर्ष तक के, तीसरे ग्रुप में 8 से 12 और चौथे ग्रुप में 12 से 15 तक के बच्चों को रखा गया, जिसके बाद ग्रुप वाइज इन बच्चों की रेस कराई गई, जिसमें प्रथम ग्रुप में दर्श डांगुर ने प्रथम स्थान, दूसरे ग्रुप में प्रथम स्थान भूमेश श्रेष्ठ सौहिद ने प्राप्त किया, वहीं द्वितीय स्थान राजवीर माधव और गौरांश ने तथा तृतीय स्थान विदित युवराज ने प्राप्त किया। तीसरे ग्रुप में प्रथम स्थान प्रवेश हरेंद्र ललित ने, द्वितीय स्थान कार्तिक अंकुर और काव्या ने और तृतीय स्थान वैदिक नवीन और गार्वी ने अपने नाम किया। लास्ट ग्रुप में प्रथम स्थान कशिश ने प्राप्त किया, जिन्हें संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को गोल्ड मेडल, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को सिल्वर मेडल और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को ब्रॉन्ज मेडल सहित सर्टिफिकेट भेंट कर उनका सम्मानित किया गया। इस दौरान स्केटर संतोष राजौरिया, डीपीएस दिनेश मीणा सहित अनेक लोग वहां मौजूद रहे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।